स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो देखने में टाइटल ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, सैकड़ों लोग उतरे सड़कों पर। जी हां, मैं किसी और अन्य देश के बारे में नहीं, मैं भारतवर्ष के बारे में बात कर रहा हूं। भारत की रोडों पर हजारों की संख्या के अंदर लोगों का उतरना, जुलूस निकालना, प्रोटेस्ट करना, डेमोक्रेटिक राइट्स को मांगना, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार ग्रहों के ने अपना परिवर्तन शुरू कर दिया है। और यही परिवर्तन है जो किसी देश को बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर के ऊपर दो तरीकों से डिवाइड करता है। बाहरी तौर के ऊपर हो रहे मुद्दों को हमारी सेनाएं निपुणता से, कुशलता से अब उसको सुलझा लेती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के आंतरिक मुद्दों को समझाना, सुलझाना, ये पूरे हम जैसे और आपके, हमारे जैसे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आज की डेट में जो राहु के कार्यकाल के अंदर इस समय के ऊपर लोगों के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो लेह लद्दाख से लेकर मध्य प्रदेश के हिस्से तक में भारत के अंदर सड़कों के ऊपर सैकड़ों लोग उतर के आ रहे हैं। क्या ही पहला मुद्दा, सबसे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद के टाइम के ऊपर आप लोगों को पता होगा, नमाज पढ़ने के लिए हजारों की संख्या के अंदर लोग वहां पर पहुंचे। कभी नहीं होता था जो वो उस दिन घटित हुआ। लोगों को बड़ी संख्या के अंदर उमड़ता देख पुलिस कर्मियों को रास्ते बंद करने पड़े। पुलिस कर्मियों को बोलना पड़ा कि आसपास की मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ें, यहाँ पे भीड़ एकत्रित ना करें। बड़ी मुश्किल से वो सुलटाया ही गया था मैटर कि एमपी के अचानक से एमपी के अंदर दमोह जिले के अंदर दो युवाओं का केवल कपड़े सिलवाने को लेकर झगड़ा हुआ। उन्होंने वहाँ पे मारपीट करी, साथ के साथ मुस्लिम समाज के किसी उम्दा बड़े व्यक्ति के साथ में उन्होंने बदतमीजी करी। वो लोग तो वहाँ से निकल गए, लेकिन सैकड़ों की संख्या के अंदर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुनिया भर के लोग एकत्रित हो गए। नारेबाजी सुनी, आप इंटरनेट पे इस वीडियो को देखोगे तो हैरान हो जाओगे। इतने गंदे गंदे अपशब्द बोलकर नारेबाजी करी जा रही थी कि जो मीडिया बीप के बिना उनको दिखा भी नहीं पा रहा था। लगातार बीबीसी न्यूज़ के ऊपर ये न्यूज़ चली, हर चैनल के ऊपर ये न्यूज़ चली, और इसके बाद में ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। लद्दाख के अंदर एक दिन पहले डेमोक्रेटिक राइट्स को मांगने के लिए हजारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट करते हुए, जुलूस को निकालते हुए, बड़े नॉर्मली तरीके से एकत्रित हुए उस ग्राउंड के अंदर, जिस ग्राउंड के अंदर 370 के रिलेटिवली बात की गई थी, उस ग्राउंड के अंदर जिसमें लेह लद्दाख को अलग राज्य बनाने के लिए बोला गया था। ये सारी बातें आज के टाइम में ग्रहों के उस परिवर्तन को दिखा रही है जिससे भारत भी अब अभिन्न नहीं रहा है। और इसके साथ साथ फ्रांस, किसानों का मुद्दा आप लोगों को पता है, जगह जगहों के ऊपर ट्रैक्टर ले लेके बड़ी संख्या में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर पहुँच रहे हैं। किसी किसी देशों की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रांस के साथ साथ अपने नज़दीकी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी हंगामा हो रखा है। वहाँ पे भी लोग जगह जगह के ऊपर जुलूस निकाल रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सरकार सेनाएं चलाती हैं, तो इस कारण से वहाँ पे इतनी ज़्यादा उम्दा तरीके से प्रोटेस्ट करना नॉर्मल नहीं होता। वहाँ की सेनाएं फटाफट इस कार्य को निपटा के साइड कर देती हैं, लेकिन घटनाक्रमों को अंजाम मिल रहा है। बलूचिस्तान के अंदर ये हो रहा है, साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड, बहुत ही अच्छी पहल, बहुत ही अच्छी नई शुरुआत, यूसीसी जिसको उत्तराखंड के सीएम के द्वारा और यहाँ के मंत्रिमंडलों के द्वारा एकाग्रता के साथ अपना मत देते हुए यूसीसी को पास करने का प्रस्ताव आगे भेजा गया। अगर यूसीसी पास हुआ तो भारत के इतिहास में ऐसा पहला राज्य उत्तराखंड होगा जहाँ पे सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों के लिए एक सी कानून व्यवस्था अर्जित की जाएगी, एक सी कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। मतलब ये नए में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ की एक शुरुआत आप इसको देख सकते हो।
आने वाले टाइम में शायद हो सकता है आरक्षण का भी मुद्दा इसके अंदर उठाया जाए। यूसीसी ऑलरेडी आगे मुद्दे में आ गया है, प्रस्ताव में आ गया है और पूर्ण सहमति के साथ में उसको आगे भेजा गया है। जब यह प्रस्ताव अगर पास हो गया तो हकीकत में उत्तराखंड का इतिहास एक नया रचा जाएगा और भारत के अंदर यूसीसी की आवश्यकता सभी धर्मों को समान रूप से मानने के लिए, सभी पंथों को समान रूप से मानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाता है, एक राष्ट्र एक संख्या एक सा कानून होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि जगह जगह पर कई प्रकार के दलों के द्वारा, कई प्रकार के विद्रोही समाज के द्वारा, विद्रोही दलों के द्वारा नए नए मुद्दे लगातार उठाए जाते हैं, नई नई बातें लगातार उठाई जाती है और उसमें कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सिमटी सी महसूस करती है। तो जब यूसीसी पास होगा तो सभी धर्म एक समान हो जाएंगे, चाहे वो क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू कोई सा भी धर्म हुआ, सिख धर्म, सभी के लिए एक जैसी कानून व्यवस्था न्याय प्रणाली होगी जिससे बहुत बड़ा बदलाव भारत के अंदर देखने को मिलेगा आपको। तो एक नए बदलाव के साथ, नए बवाल आक्रोश के साथ भारत की जनसंख्या के अंदर नए प्रकार के विद्रोह, नए प्रकार के मुद्दे, नए नए कानून के बारे में जानकारी, नए नए अपनी बातों को आगे लाना लगातार उमड़ता जा रहा है। भारत इससे अभिन्न नहीं रहा है। विदेशों के अंदर ये शुरुआत पहले हुई थी, सबसे पहले यूरोप में, यूरोप के बाद पश्चिमी राज्यों में, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो कितने लोगों ने प्रोटेस्ट जगह जगह पे अलग अलग देशों के अंदर किया था। और जब अब राम राज्य की जो स्थापना हुई है, इस राम राज्य की स्थापना के बाद में आप देखिए जगह जगह के ऊपर जो देश जिन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों में कन्वर्ट किया था जिन लोगों के, उनके वहाँ पे भी श्री राम के नारे लगाए गए हैं, उनके वहाँ पे भी खुश हुए हैं कि राम राज्य की स्थापना हुई है। तो जो लोग हकीकत में इस बात को मानते हैं कि दुनिया के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और ग्रह और परिवर्तन हम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अब एक नया विकल्प भारत देश के अंदर निकल के सामने आने वाला है। रोज नए मुद्दे उठेंगे, रोज नए शांत होंगे, क्योंकि गुरु जब तक कर्क राशि तक नहीं पहुंच जाते, जब तक ये विकल्प आपको और हम लोगों को रेगुलरली रूप से देखने को मिलेगा लेकिन शांत होता हुआ भी नजर आएगा। तो शांति से बढ़ रहे इन प्रस्तावों के ऊपर कर्क राशि में गुरु के पहुंचने के बाद में क्या होगा ये आने वाला टाइम हम लोगों को बताएगा और यही सारी चीज़ें भारत को आगे बढ़ाने का भी कार्य करेंगी, भारत को नई व्यवस्था प्रणाली लाने का भी कार्य करेंगी, नई कानून प्रणाली लाने का भी कार्य करेंगी और पीओ के रिलेटिवली भी हो सकता है कि नए मुद्दे आप लोगों को उठते हुए नज़र आ जाएं इन आने वाले चल रहे टाइम के अंदर। तो फिर मिलूंगा, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आपका और हमारा जो ये गठबंधन है, जो ये प्रेम का बंधन है, ये बना रहे और आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।